नमस्कार, हम उडुपी में हैं और उडुपी एक छोटा सा टेम्पल टाउन है दैट इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन वेरी क्लोज टू द सी इन करावली विच इज लोकेटेड इन द कर्नाटका स्टेट। और ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिसने उडुपी का खाना उडुपी रेस्टोरेंट्स में खाया नहीं होगा। इनफैक्ट मेरा ये दावा है कि हर हिंदुस्तानी को उडुपी रेस्टोरेंट का मेन्यू आज बाय हार्ट हो गया होगा, जैसे कि इडली वड़े दोसई रवा दोसई सेट दोसई मसाला दोसई। तो आइए आज दोस्ती करते हैं आज के हमारे हीरो डिश से जो है दोसई। फर्स्ट स्टॉप इन उडुपी इज उडुपी फेमस रेस्टोरेंट और मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट जो उडुपी में है और उडुपी खाना सर्व करता है। तो बेसिकली यू गॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज अगर आप उडुपी में हैं देन यू मस्ट विजिट मित्र समाज। एंड मेरा ये दावा है कि अगर आप यहाँ पे एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तो देरी किस बात की, आइए ना। एंड यस, वेनसडे इज अ हॉलीडे, तो अगर आप इस एरिया में है तो वेनसडे यहाँ पे ना आए। चावल और उड़द दाल को सोक करते हैं इन अ 2:1 रेशियो और फिर इस मिक्सचर को पीस के बैटर को रात भर फर्मेंट किया जाता है और सुबह सुबह देश भर में कई तवों पर बनता है डोसा। डोसा कई टाइप्स के होते हैं, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, सेट डोसा, रवा डोसा, लेकिन सबसे कॉमन है प्लेन डोसा और द मसाला डोसा विच इज स्टफ विद आलू की सब्जी एंड नो डोसा इज कम्प्लीट विदाउट द जोड़ी ऑफ चटनी सांबर। यस, दिस इज द ग्रैंड फादर ऑफ ऑल डोसाई। यस, इट इज द प्लेन डोसा। आई मीन यू कैन कॉल इट एनी नेम दैट यू वांट, डोसाई, डोसिका और जस्ट द प्लेन डोसा। But the point is that over the centuries and more, it's a very simple dish that is a crepe or a pancake made out of fermented dal and rice and is made on a really hot tawa. पहले डोसे शायद सिर्फ उड़द दाल से बनते थे, फिर बाद में उस मिक्सचर में चावल की मिलावट होने लगी। 12वीं सदी की एक डोसे की रेसिपी में सिर्फ उड़द दाल और नमक का इस्तेमाल किया गया है और इसे नाम दिया गया ढोसका। एंड वैसे अनदर ग्रेट स्टोरी अराउंड द डोसा। तो कई लोगों का मानना है कि डोसा का जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन एक बहुत ही माने जाने हिस्टोरियन है, उनका नाम है परमेश्वरन तंगप्पन नायर। इनका कहना है कि डोसे का जो जन्म था वो यही उड़पी में हुआ था। मगर कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं और लोग हैं जो कहते हैं कि डोसा का जन्म 1000 साल पहले तमिलनाडु में हुआ था। अब मेरा मानना बड़ा सिंपल है कि आप जिसका करना है भरोसा करो, मगर एंड में बस डोसा खाओ। सो एंजॉय द डोसा। इतिहास में डोसा का जिक्र सबसे पहले हुआ है तमिल संगम लिटरेचर में इन द 6th century AD एज अ फूड आइटम ईटन बोथ बाय द कॉमन मैन एंड किंग्स। इसके 600 साल बाद डोसा इज मेंशन्ड इन द मनोसोलसा रिटन बाय किंग सोमेश्वरा, जिनका किंगडम आज के कर्नाटका का एक हिस्सा था। फूड हिस्टोरियंस का ये मानना है कि तमिलनाडु के डोसे छोटे और मोटे हैं, लाइक पैनकेक्स, और जो लंबे पतले और करारे डोसे आज देश भर में फेमस हैं, वो ओरिजिनेट हुए हैं इन कर्नाटक एंड मे बी उडुपी। आपके मन में एक सवाल होगा कि उडुपी रेस्टोरेंट्स का उडुपी शहर से क्या कनेक्शन है पूरे हिंदुस्तान में। वेल, द आंसर लाइज राइट हियर बिहाइंड मी इन द वेरी फेमस श्री कृष्णा मठ इन उडुपी। तो आइए ना। द
उडुपी के श्री कृष्णा मत में रोज भगवान को सात्विक भोग चढ़ाया जाता है और यहाँ के कुक्स इसी सात्विक खाने को सदियों से लार्ज स्केल पर बनाते आए हैं फॉर द थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज हु कम हियर। This is the kitchen equipment जहाँ पे at one time 700 people can eat right here in this premise और ऐसे तीन floors हैं और in the 1900s यहीं के cooks ने decide किया कुछ cooks ने decide किया कि वो यहाँ का खाना बाहर ले जाएंगे और ऐसे हुआ उडुपी restaurants का जन्म and the first उडुपी restaurant came into being and you know one more cool fact मुझे आज तक नहीं पता था कि उडुपी खाना जो हम खाते हैं That is 100% sattvic. कॉन्ट्रास्ट आई मीन एक तरफ इतनी शांति और छोटी छोटी गलियां और देन दूसरी तरफ है एब्सोल्यूट एंडलेस समंदर एंड फुल ऑन गड़बड़। जी हाँ, सो वेल व्हेन यू आर इन उडुपी आप आइए जरूर और गड़बड़ आइसक्रीम खाना मत भूलिएगा। और मत कहानी सुनिए। गड़बड़ आइसक्रीम इज अ मिक्सचर ऑफ लेयर्स ऑफ आइसक्रीम जेली टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट। इसको श्री मोहनदास पाई ने उडुपी में इन्वेंट किया जब उनके होटल में कुछ गेस्ट्स ने मीठा मांगा और देने के लिए लेफ्ट ओवर्स के अलावा कुछ नहीं बचा था। गड़बड़ आइसक्रीम का नाम कन्नड़ा वर्ड गड़बड़ी से आया है यानी इन अ हरी। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम इन नो हरी टू लीव एंड आई गारंटी यू कि जब आप उडुपी आएंगे आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं होगी यहाँ पे आने की और जाने की। तो आइए यहाँ के इस मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस को सोक इन कीजिए और फिर इंतजार कीजिए इस खूबसूरत सन का सेट होने का। वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू। आई एम गोना वॉच दिस ब्यूटीफुल सनसेट एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंडिया ऑन अ प्लेन। ये है सम ठंडा ठंडा नारियल पानी। लेडीज एंड जेंटलमैन वी प्रेजेंट टू यू टुडेज इन फोकस डिश द कोरी रोटी।